हेलो भी सभी को गुड मॉर्निंग। आज अपने देखते हैं भारत की नदियाँ, भारत का अपवाह तंत्र, भारत के अंदर कौन कौन सी नदियाँ बहती है। पहले अपने देख लेते हैं भी अपवाह का यानी प्रवाह का मतलब क्या होता है, प्रवाह का क्या अर्थ होता है। तो जल का एक निश्चित दिशा में बहना ही किसे कहते हैं, जल का एक निश्चित बहना, जल का एक निश्चित दिशा में बहना, दिशा में बहना क्या कहलाता है, प्रवाह है। क्या कहलाता है, जल का एक निश्चित दिशा में बहना ही क्या कहलाता है, प्रवाह है। अब बात आती है कि नदी द्रोणी क्या होती है। ये क्वेश्चन आता है कि नदी द्रोणी क्या होती है, नदी है नदी द्रोणी क्या होती है। ये क्वेश्चन आता है कि नदी द्रोणी है वो क्या होती है। बड़ी नदियों के अपवाह क्षेत्र को, बड़ी नदियों के अपवाह क्षेत्र को, बड़ी नदियों के अपवाह क्षेत्र को क्या कहते हैं, नदी द्रोणी। अपवाह क्षेत्र को नदी द्रोणी, बड़ी नदियों के अपवाह क्षेत्र को क्या कहते हैं, नदी द्रोणी कहते हैं। और एक नाम आता है जल संबर है वो किसे कहते हैं, एक नाम आता है जल संबर है किसे कहा जाता है। तो छोटी नदियों के अपवाह को क्या कहते हैं, जल संबर। छोटी नदियों के अपवाह को क्या कहते हैं, जल, छोटी नदियों के अपवाह को, छोटी नदियों के अपवाह को क्या कहते हैं, जल संबर। ठीक है। और नदी द्रोणी किसे कहते हैं, बड़ी नदियों के अपवाह क्षेत्र को क्या कहते हैं, नदी द्रोणी। जल संबर किसे कहते हैं, छोटी नदियों के अपवाह क्षेत्र को। अब अपने देखते हैं कि भारत में नदी तंत्र, भारत में नदी है वो कितने प्रकार की है। ठीक है, भारत में कितने टाइप की नदियां हैं। ठीक है, तो भारत की नदियां हेडिंग लगा लो, भारत की भारत में दो टाइप की नदियां हैं। क्या टाइप की नदियां हैं, दो प्रकार की किसी किसी है। एक तो जकी है, जकी हिमालय निकले, एक तो भी है जकी हिमालय निकले। ठीक है, और दूसरी किसी है, दूसरी जकी प्रायद्वीपीय पठारों निकले, प्रायद्वीपीय पठारों निकले। पहली तो भी है जकी हिमालय निकले, हिमालय से निकलने वाली नदी, और दूसरी किसी है प्रायद्वीपीय पठारों निकलने वाली, और तीसरी किसी है, एक भाग और भी है, और तीसरी की बात आ जाए तो तीसरी है अंतस्थलीय है, स्थलीय। यानी जबकि धरती के अंदर है देव है, मतलब अंतस्थलीय यानी जो धरती के। ठीक है, तो भारत में नदियां कितने प्रकार की है, तीन प्रकार की, क्यों निकलने वाली, दूसरी प्रायद्वीपीय पठारों निकलने वाली, तीसरी है भी है स्थलीय नदी जबकि अंदर भी है। जबकि हिमालय निकलेगी बाकी हिमालय की नदियां, जबकि प्रायद्वीपीय पठारों निकले वा प्रायद्वीपीय। अब अपना बात कर लिया भी हिमालय किसी किसी नदी नहीं, तो हिमालय निकलने नदी को पहलो नाम आवे जबकि नाम गंगा, ये नाम है। दूसरी सिंधु नदी, दूसरी किसी है सिंधु नदी, और तीसरी नदी यमुना, तीसरी नदी किसी है यमुना। ठीक है, ये है हिमालय निकले नाली नदी। ठीक है, या गंगा होगी, सिंधु होगी, यमुना होगी, ये गठो निकले हिमालय। ठीक है, अब आप एक एक नदियां ना पा। ठीक है, तो भारत के अंदर आप एक एक नदियां ना पा पढ़ सियां। ठीक है, आज आप पढ़ लिया सिंधु नदी, पहला किसी नदी ने पढ़ लिया। ठीक है, पहला किसी नदी ने पढ़ लिया सिंधु नदी, आज आप सिंधु नदी ने पढ़। ठीक है, पहला आप थोड़ी मैप में देख लिया भी आ नदी बेवे गड़े गड़े। थोड़ी मैप के अंदर नदी, ठीक है, तिब्बत के अंदर एक झील पड़े, ये पड़े
नाम की है मानसरोवर, ये नाम है मानसरोवर, ये नाम है कैलाश मानसरोवर भी गड़गड़ लिखिड़वा है कैलाश मानसरोवर। तिब्बत के अंदर के पड़े एक है क्योंकि ये नाम है मानसरोवर, एक इमारत पड़े ठीक है वो के नाम है पोखरचू इमारत, नाम है पोखरचू, तो इमारत है पोखरचू, तू एक नदी निकले ठीक है मानसरोवर के झील एक नदी ठीक है फिर प्रवेश करे डाकगंज ठीक है प्रवेश करे डाकगंज प्रवेश करे स्थान को के नाम है तुम चौक नामक स्थान प्रवेश करे स्थान चौक करे प्रवेश करे दम चौक नामक स्थान प्रवेश करे चौक नामक नदी लद्दाख के अंदर प्रवेश करे करे आपने के अंदर प्रवेश करे बादमा नदी बेवे बादमा जम्मू कश्मीर में आ जाए नदी भारत बारह के स्थान पर निकले इसलिए भी यह नदी भारत के बारह निकले तो किसी नामक स्थान पर बारह यानी भारत के अंदर एंट्री करे नामक स्थान बारह निकलिया कैलाश नामक ठीक है स्थान हुआ भारत बारह निकले कैलाश नामक स्थान हुआ भारत बारह निकले ठीक बाद में आगे चले आ नदी आगे एक स्थान आ जाए जिसका नाम है मिठनकोट स्थान आ जाए मिठनकोट मिठनकोट में एक पांच नदी आगे मिले पांच नदियां किसी एक नदी है चनाब रावी व्या नदी आगे मिले मिठनकोट के पास में पांच नदी झेलम चनाब रावी बाद में नदी थोड़ी सी आगे चले आगे किनारे एक शेर आ जाए जिसका नाम प्राची तो शेर आ जाए प्राची ठीक है बाद में गठा जे कराची बाद में गठा आगे गिर जे अरब सागर गए आगे गिर जे अरब सागर गए आगे गिर जे अरब सागर गए ठीक है सिंधु नदी गढ़ू निकले पोखर चू मन तू मानसरोवर भारत में एंट्री क्या करे दम चौक नामक स्थान और भारत बारह किस स्थान पर निकले दास नामक बाद में मिठनकोट में मिले आगे मिले पांच नदियां आगे मिले झेलम चनाब रावी ब्यास बाद में स्थान पर एक पड़े कराची पड़े कराची शेर बाद अब हम आप बात कर लिया कहेंगी लंबाई कितनी है ठीक है अब आप बात कर लिया सिंधु नदी की लंबाई कितनी है ठीक है सिंधु लंबी लंबाई है 28 क्या टोटल लंबाई 28 सिंधु नदी की आप लंबाई की बात करा टोटल कितनी है 28-80 किलोमीटर अगर आप भारत में बात करा भारत में कितनी लंबाई है या तो ये सारी कुल लंबाई है 28-80 यानी अठू निकड़े लेकर पूरी टोटल की लंबाई है अगर आप भारत में बात करा तो ये 1100 किलोमीटर ठीक है अगर आप भारत में बात करा तो कितनी है 1100 किलोमीटर अब आप बात कर लिया सिंधु नदी की सहायक नदियां गी कई बार क्वेश्चन भटू भी पूछ लिया गया सिंधु नदी की अभी सहायक नदी की थी कई बार सहायक नदियों भी क्वेश्चन पूछ लिया तो ठीक है अग पाएंगे सहायक नदियां देख लिया सिंधु नदी की सहायक नदी अभी की है ठीक है सहायक नदी नहीं कड़ा कटू है आप थोड़ी सी देख लिया पहले सहायक नदी है जकी नाम है झेलम दूसरी है सहायक नदी जकी नाम है चेनाब नदी चेनाब और तीसरी है रावी बाद में आ जाए व्यास नदी फिंग बाद में आ जाए सतलुज नदी क्रम ध्यान रखनो कई बार क्रम भी पूछ लिए ठीक है झेलम चेनाब रावी व्यास सतलुज ठीक है झेलम चेनाब रावी व्यास सतलुज अब आप देख लिया अभी झेलम नदी है अगठू निकड़े तो झेलम नदी निकड़े शेष नाग झील निकड़े शेष नाग इस नाग झील पड़े 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 आ झील पड़े से इस नाग झील जम्मू कश्मीर बाद में आ जाए भी चेनाब नदी है आ गठू निकले तो आ एक दर्रा निकले जगह को नाम है बारह लाचला दर्रा लाचला दर्रा बारह लाचला दर्रा है वो गठपड़े
बारा राजला दर्रा गठे पड़े अभी बारा राजला दर्रा हिमाचल प्रदेश के अंदर पड़े राजला दर्रा प्रदेश के अंदर। बाद में आज भी रावी नदी गठू निकड़े, रावी नदी है गठू निकड़े, तो रावी नदी निकड़े रोहतांग दर्रा निकड़े रोहतांग नदी गठू रोहतांग दर्रा रोहतांग दर्रा है वो गठे पड़े पड़े हिमाचल प्रदेश के अंदर पड़े प्रदेश के पड़े देश के अंदर तांग दर्रो गठे पड़े प्रदेश के। लेकिन बाद में आज भी व्यास नदी है आगठू निकले तो व्यास नदी निकले व्यास कुंड व्यास कुंड व्यास नदी गठू निकले व्यास कुंड। बात आज भी व्यास कुंड गठे पड़े तो व्यास कुंड पड़े हिमाचल प्रदेश के अंदर पड़े व्यास कुंड पड़े हिमाचल पड़े देश के अंदर व्यास कुंड गठे पड़े प्रदेश। अब बात आज भी सतलुज नदी है आ गठू निकड़े, ये सतलुज नदी है आ भारत में गठू निकड़े, तो सतलुज नदी है आ भी निकड़े राक्षसताल झील राक्षसताल झील निकड़े राक्षसताल झीलू राक्षसताल झील है आ गठे पड़े आ झील भी पड़े तिब्बत में पड़े। अगर आप थोड़ा सुबेक में देखा हिमालय सरोवर झील है तीन नदी निकले ठीक है, एक तो निकले सिंधु नदी निकले सिंधु नदी और दूसरी नदी की आप बात करा तो बा निकले ब्रह्मपुत्र नदी ये नदी निकले ब्रह्मपुत्र नदी, तीसरी नदी की आप बात करा तो बा है सतलुज ये सज ठीक है। बात आज हिमालय सरोवर झीलों की नदियां निकले सरोवर झीलों तीन नदी निकले एक सिंधु नदी एक ब्रह्मपुत्र नदी और सतलुज नदी ठीक है। अब अपने बात आज ठीक है अब देख लिया अभी आप परियोजना प्रमुख परियोजना किसी की ठीक है यंग ऊपर बनेड़ी प्रमुख परियोजना किसी योजना कई बार परियोजना भी क्यों नदियां पर कोई परियोजना बनेड़ी है भाभी आप एक कर लिया प्रमुख परियोजना तो आप बात कर लिया कि नीमो बजागो परियोजना या किसी नदी पर है नंबर एक लगा लियो बजागो वो बजागो परियोजना नदी पर आया सिंधु नदी पर नदी पर आया सिंधु नदी पर वो बजागो परियोजना नदी पर है वो आया सिंधु नदी पर। बाद में आज तुलबुल परियोजना दूसरी परियोजना किसी आज है तुलबुल परियोजना दूसरी परियोजना किसी है तुलबुल परियोजना तुलबुल परियोजना या किसी नदी पर पड़े अपने झेलम नदी किसी नदी पर पड़े पुल परियोजना अपने झेलम नदी पर पड़े बुलबुल परियोजना है किसी नदी पर पड़े झेलम नदी पर। बाद में आ जाए किशन गंगा परियोजना तीन नंबर में किसी आ जाए किशन गंगा परियोजना किशन गंगा तीन नंबर में किसी आ जाए किशन गंगा परियोजना किशन गंगा किशन गंगा परियोजना गठे पड़े बात आज भी किशन गंगा परियोजना है गठे पड़े नदी पर किशन गंगा नदी की सहायक नदी है तो आया झेलम की सहायक नदी है तो आया झेलम की ठीक है उसने भी किशन गंगा नदी है किंगी सहायक नदी है तो आया झेलम की सहायक नदी। तीन बाद में आज उरी परियोजना चौथी किसी आज उरी परियोजना उरी योजना चौथी आज उरी परियोजना क्या जे उरी परियोजना उरी परियोजना या कठे पड़े तो आ पड़े झेलम नदी पर कठे पड़े झेलम नदी पर उरी परियोजना है किसी नदी पर पड़े आ पड़े झेलम नदी ठीक है उरी परियोजना है कठे पड़े झेलम नदी ऊपर। फिर बाद में बात आज अगली परियोजना की अगली परियोजना आज दुलस्ती परियोजना परियोजना आज दुलस्ती परियोजना आज दुलस्ती तो दुलस्ती परियोजना घटे पड़े अभी दुलस्ती परियोजना किसी नदी पर पड़े तो अपड़े चेनाब नदी पर किसी नदी पर पड़े अपड़े चेनाब नदी पर पड़े आब नदी पर दुलस्ती परियोजना किसी नदी पर पड़े चेनाब नदी पर। बाद में आज बगलियार परियोजना क्या आज बगलियार परियोजना
यार बगल यार परियोजना भी किसी नदी पर पड़े तो आ भी पड़े सीना, नदी पर पड़े बगल यार परियोजना आ भी पड़े सीना। ठीक है बगल यार परियोजना भी कठे पड़े आ पड़े सीनाब नदी के ऊपर। ठीक बाद में आ जाए सलाल परियोजना, परियोजना आ जाए क्या आ जाए लाल परियोजना, परियोजना लाल परियोजना अभी गठे पड़े अभी पड़े सीनाब गठे पड़े। ठीक है अब आप प्रमुख परियोजना देख ली। ठीक है अब आप देखा हिमाचल प्रदेश के अंदर है भी किसी परियोजना है। ठीक है एक परियोजना और आ जाए जबकि मेरा परियोजना क्या जी मेरा परियोजना प्रदेश की मेरा परियोजना क्या जी मेरा योजना की पर पड़े तो आप पड़े रावी नदी पर पड़े रावी नदी पर। मेरा परियोजना किसी नदी पर पड़े तो आप पड़े रावी नदी पर। ठीक बाद में आ जाए एक बांध नाम है पोंग बांध, नाम आ जाए पोंग बांध, पोंग बांध है वो किसी नदी पर पड़े भी पोंग बांध है वो पड़े व्यास नदी पर पड़े व्यास नदी बांध किसी नदी पर पड़े पड़े व्यास नदी। ठीक है ठीक बाद में आ जाए पंजाब की परियोजना, पंजाब के अंदर किसी पंजाब के अंदर है किसी। ठीक है पहली परियोजना का नाम आ जाए थीन बांध, पहले आप बात कर लें बांध की, पहले बांध किसको आ जाए नाम है थीन बांध, बांध आ जाए थीन बांध है वो किसी नदी पर पड़े पड़े रावी नदी पर, नदी पर पड़े रावी नदी पर, बांध है वो किसी नदी पर पड़े पड़े रावी नदी पर रावी नदी पर। ठीक बाद में आ जाए राणा सागर बांध या महाराणा रणजीत सागर बांध। ठीक है राणा रणजीत सागर बांध, रणजीत सागर बांध, राणा रणजीत सागर राणा रणजीत सागर बांध। ठीक है ठीक बाद में आ जाए बाकड़ा, राणा रणजीत सागर बांध वो भी गठा पड़े वो भी पड़े पंजाब के अंदर है पंजाब के अंदर। अब आप बात कर लिया, अब आप बात कर लिया बाकड़ा बांध गठा पड़े। ठीक है बांध है वो आकड़ा बांध, आकड़ा बांध गठे पड़े बांध पड़े हिमाचल पड़े चले हिमाचल प्रदेश के अंदर बांध गठे पड़े हिमाचल प्रदेश के अंदर। ठीक है नांगल बांध गठे पड़े तो नांगल बांध पड़े पंजाब में पड़े नांगल बांध पड़े पंजाब के अंदर। गोविंद सागर झील गठे पड़े गोविंद सागर झील पड़े प्रदेश के पड़े प्रदेश के। अब बात आ जाए सिंधु नदी की, सिंधु नदी कुछ और बात कर लें आप सिंधु नदी की आप और बात कर लें ये तो आप प्रमुख परियोजना होगी प्रमुख बांध के आप। अब बात आ जाए सिंधु नदी, सिंधु नदी है वहाँ किसी श्रेणिया के अंदर होगी भी वह कुछ श्रेणियां पड़े हैं तीन श्रेणियां हैं लद्दाख। ठीक है काराकोरम श्रेणी लद्दाख श्रेणी तस्कर श्रेणी किसी श्रेणियां है काराकोरम श्रेणी लद्दाख श्रेणी और तीसरी आ जाए तस्कर श्रेणी। ये तस्कर श्रेणी पर बात आ जाए सिंधु नदी है किसी दो श्रेणियों के बीच में खरबे हुए है लद्दाख और तस्कर का सीमा खरबे हुए तस्कर सिंधु नदी लद्दाख में किसी दो श्रेणिया के बीच में खरबे हुए है लद्दाख और तस्कर के माखर लद्दाख और तस्कर के माखर। अब बात आ जाए ले शेर है वो किंग किनारे कि लद्दाख को शेर है एक जगह ले शेर अपन जगन का। ठीक है बात आ जाए ले शेर है वो किंग किनारे बात आ जाए ये शहर है वो किंग किनारे ये शहर है सिंधु नदी के किनारे नदी के किनारे सिंधु नदी के
ये शेर है वो कहेंगे कपड़े तो नदी का, ये शेर किसी नदी के किनारे है, ले शेर है वो सिंधु नदी के किनारे। अब बात आ जाए सिंधु नदी की, सिंधु नदी है वो बुज्जी जम्मू कश्मीर में, सिंधु नदी है वो एक से बुज्जी जगह पड़े जम्मू कश्मीर का पड़े कश्मीर का, सिंधु नदी बुज्जी जम्मू कश्मीर के अंदर जगह पड़े स्थान है ठीक है। भट्ठे आ गहरे गार्ज को निर्माण बुज्जी नामक स्थान पर आके निर्माण करे गहरे गार्ज को, यानी गड्ढो बना हुआ है, गार्ज को मतलब हुआ गड्ढो, गार्ज को मतलब हुआ गड्ढो, यानी गहरे गार्ज को निर्माण निर्माण गहरे गार्ज का निर्माण। सिंधु नदी अगर पूछ ले पिकठे का निर्माण यानी गार्ज को निर्माण बुज्जी नामक स्थान के ऊपर, क्या करे बुज्जी नामक स्थान के ऊपर। अब बात आ जाए अभी सिंधु नदी जल समझौतों को दो अपनो एक समझौतो भी हुआ है पानी ने लेके कितो यूज पाकिस्तान करेगा और कितने परसेंट जल भारत करेगा, तो आप एक समझौतो करियो मैंने बोला सिंधु जल समझौता, बोले सिंधु जल समझौता जल समझौता। अब बात आती है सिंधु जल समझौतो आप करियो कद वो करियो आप 1960 के अंदर आप सिंधु नदी को पानी रोक लियो। अब भी पाकिस्तान वाला लड़ाया जाके मैं बनावा क्यों हो गया, अभी भी बाद में आप सिंधु जल समझौतों करियो घट के अंदर फिर के शर्त रखी और किंग है मध्य हो, पहला तो ध्यान रखना भी किंग है मध्य हो तो अपना कहानी तो टेम है जवाहरलाल नेहरू भी 1960 का टेम अपनों कुनो अपनों नेहरू जवाहरलाल नेहरू। अब बात करना भी पाकिस्तान को भी टेम प्रधानमंत्री कुनो और पाकिस्तान को कुनो अयूबर खान, अयूबर खान टेम अगर पूछ लिया भी पाकिस्तान को कौन हो तो वो अयूबर खान और भारत को भी टेम प्रधानमंत्री नेहरू वहां दो नंगे हो ठीक है। ये मापा के बात रखी देखो ठीक है, पहली तीन नदियां आ जाए क्यों नाम है सिंधु, सिंधु नदी झेलम नदी, सिंधु नदी झेलम नदी और तीसरी आ जाए चिनाब नदी, नदी आ जाए बात रखी आ तीनों नदियां 80% पानी है वो पाकिस्तानी यूज कर 80% पानी है वो पाकिस्तानी यूज करो 80% पानी है वो पाकिस्तानी यूज करेगो, आ तीन नदियां 20% पानी है वो कौन यूज करेगो वो 20% पानी है वो भारत यूज करेगो काम में लेगो ठीक है। आ तीन नदियां 80% पानी कौन काम में लेगो पाकिस्तान और 20% कौन लेगो भारत ठीक है। बाकी तीन नदियां और बच गई जकी रावी व्यास लास्ट किसी बच गई सतलज या ठीक है। आ तीन नदियां 80% कौन यूज करेगा 80% करेगा आ तीनों नदियां अति यूज 20% कौन यूज करेगा ठीक है। आ तीनों नदियां 80% पाकिस्तान यूज करेगा 20% है भारत यूज करेगो, आ तीन नदियां 80% भारत यूज करेगो और 20% कौन करेगो पाकिस्तान यूज ठीक है। अब बात आ जाए भी सिंधु नदी की दो चार बात आप और कर लिया ठीक है। अब झेलम नदी है ये घाटी को निर्माण करे, ये घाटी को निर्माण करे, ये घाटी को निर्माण करे झेलम नदी पूछ ही लिया इसी घाटी को निर्माण करे तो कश्मीर घाटी को जम्मू कश्मीर में एक झील पड़ा है सारा बड़ी भारत की मीठे पानी की झील ठीक है, अभी भारत की सारा मीठे पानी की झील जम्मू कश्मीर के अंदर नाम है उल्लर झील ठीक है। उल्लर झील बाकी है भारत की सारा बड़ी मीठे पानी की झील बड़ी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील यह भारत की सारा बड़ी मीठे पानी की पूछ लिया भी पुल्लर झील की है तो भारत की सारा बड़ी मीठे पानी की। अब बात आ जाए झेलम नदी की, अब इन थोड़ी थोड़ी बात आ पाएंगी सहायक नदियां कर लिया ठीक है।
सिंधु की सहायक नदी है, बाकी थोड़ी थोड़ी बात कर लिया ठीक है। पहली आ जाए झेलम नदी, क्या आ जाए झेलम नदी। कई बार क्वेश्चन सहायक नदियों पूछ लिया, आप थोड़ी थोड़ी सहायक नदियों की दो दो बात है ठीक है, कि मेन नदी तो सिंधु नदी आप कर ली, दो दो बात आप आएंगी सहायक नदियों की कर ली। झेलम नदी है भारत और पाकिस्तान की सीमा, भारत और पाकिस्तान की निर्माण भारत और पाकिस्तान की पाकिस्तान पहली बात तो सहायक नदी किसी है झेलम की, झेलम की सहायक नदी किधर बताई था ना कृष्ण गंगा, ये झेलम की सहायक नदी कृष्ण गंगा ना, ये झेलम नदी की सहायक नदी किशन गंगा ठीक है, किशन गंगा। और पाकिस्तान ने किशन गंगा ने क्या कह, किशन गंगा की बात आ जाए तो पाकिस्तान में क्या कह, पाकिस्तान है नीलम, ये नाम लेंगे नीलम नदी ठीक है, पाकिस्तान वाला इनके कह पाकिस्तान वाला किशन गंगा नदी इनके कह नदी। अब बात आ जाए अगली सहायक नदी की, अगली सहायक नदी किसी है, दो बात जिनाब की भी कर लिया और इस आग कापणी की दुश्मनी है भी की दो बात कर लिया, तो सिंधु की क्या सहायक नदी बात तो आ ध्यान रखनी है, सिंधु की क्या सिंधु की पहली बात तो आ सिंधु की क्या सहायक नदी। और हिमाचल में क्या कह इन्हें, मैं इन्हें कह चंद्रभागा, नाम लिया मैं इनके नाम लिया चंद्रभागा। अगर आप आएंगे लंबाई की बात करा भाई 1180 है कई बुकांग अंदर दे ठीक है, ठीक है कई बुकांग अंदर 1180 दे रही है, कई अंग अंदर दे रखी है 8। अब बात आ जाए आगे रावी नदी की, दो बात रावी नदी की कर लिया ठीक है, रावी ठीक है कल तो रावी बनी भैया रावी ठीक है, पहली बात तो आ सिंधु की है ठीक है, सिंधु की क्या सिंधु की नदी है, नदी सिंधु की सहायक नदी है। दूसरी आप बात कर लिया इंगे किनारे एक शेर है और नाम सुन लो और है वो किंगे किनारे है तो और है वो रावी नदी के किनारे है, इंगे किनारे है रावी नदी के। अब बात कर लिया भी रावी नदी की लंबाई कितनी है, रावी नदी की लंबाई कितनी है तो रावी नदी की लंबाई है अभी 725 किलोमीटर, ये 700 कर लिया वह कितनी है 725 25 ठीक है। रावी नदी सिंधु की सहायक नदी है, रावी नदी किनारे शहर की सु है और शहर बसीड़ है, लंबाई की बात आती है तो 725 किलोमीटर ठीक है। बात आ जाए व्यास नदी की, दो बात कर लिया व्यास नदी, बात कर लिया व्यास नदी की, बात कर लिया व्यास नदी की, व्यास नदी घड़ो निकले अभी व्यास नदी निकले व्यास कुंडू घड़ो निकले व्यास कुंडू दौलाधर श्रेणिया कन की करे घर है गार्ज को निर्माण, इस श्रेणिया के अंदर गार्ज को निर्माण करे दौलाधर, दौलाधर श्रेणी श्रेणियों में गहरे गार्ज का निर्माण, गहरे गार्ज का निर्माण ठीक है, गहरे गार्ज को निर्माण करे। और इधर थाने बताई व्यास नदी गठू निकले व्यास नदी गठू प्रदेश प्रदेश का व्यास कुंड निकले व्यास
जास कुंड प्रदेश में गठु निकड़े आ जास निकड़े ब्यास कुंडू। अब बात आ जाए अगली तिंगी लंबाई कितनी है ब्यास नदी की, तिंगी व्यापा थोड़ी सी लंबाई देख लिया कितनी है ब्यास नदी की लंबाई है 400 किलोमीटर। उसने अभी ब्यास नदी की लंबाई कितनी है तो 470 किलोमीटर। अब बात आ जाए लास्ट नदी अपनी सुरज नदी, नदी आ जाए सुरज नदी क्या की सतलज भी बोला सतलुज नदी। आ गठू निकड़े तो आ निकड़े राक्षस ताल झील, निकड़े राक्षस ताल झील, राक्षस ताल झील पड़े तिब्बत के अंदर मानसरोवर कैलाश मानस ठीक है। सतलुज नदी अगर भारत में पूछ लिया भी प्रवेश की सदर रहूं करे तो हाँ की सदर रहूं प्रवेश करे भारत में प्रवेश करे सिर्फ किला दर रहूं क्यों करे किला दर रहूं भारत में किस दर रहूं प्रवेश करे किला दर रहूं किला भारत में प्रवेश किस दर रहूं करे किला दर रहूं अंदर एंट्री करे आ किला दर रहूं। अगर आप बात आ जाए हरि के विराज है वो किसी नदियां ऊपर है बात आ जाए भी हरि के विराज हरिके विराज के विराज है वो किसी नदियां ऊपर है तो विराज है वो ब्यास और सतलुज नदी पर है ब्यास और सतलुज नदी ब्यास और सतलुज नदी की नदियां बीच में तो ब्यास और सतलुज नदी। अब बात आ जाए अपने गंगा नदी की सारा पवित्र नदी है ठीक है और पाप दो गया वहां भी लेकिन पाप करेड़ा है तू हंस के आज आप पढ़ लिया तो ऋग्वेद के अंदर भी उल्लेख है नदी को ठीक है। और आर्यांगी पूछ लिया अभी आर्यांगी सारा पवित्र नदी की सही खाना कर गया आर्यांगी पवित्र नदी तो आर्यांगी पवित्र सरस्वती ठीक है। पापा जी कर नदी का उपनाम भी है इंद्री गामनी भी बोली अंदर है ठीक है लोक अंदर आ गमन ठीक है पहला लोक के अंदर आई लोक के अंदर बाद में कह ठीक है रानी करेड़ी गठू है तो आनी करेड़ी है विष्णु जी फेरा हूँ ये भगवान ठीक है फेरा हूँ ठीक है रूनी करेड़ी है विश्वान आन है फेरा हूँ ठीक है। ये थोड़ी सी स्टोरी आवे मैं थाने बता दूँ ठीक है ये आवे थोड़ी सी स्टोरी आवे मैं थोड़ी बता दूँ ठीक है भी क्यों एक राजा उड़ू है सकर तो राजा उड़ू है ठीक है फिर एक राजा उड़ू है सकर ठीक है अन सकर के करियो अन अश्वमेध यज्ञ करियो के करियो अश्वमेध यज्ञ करियो एक जानो मैं अश्वमेध यज्ञ करियो अश्वमेध यज्ञ के अंदर के छोटी जाए एक घोड़ो छोटी जाए ये छोटी जाए घोड़ो ठीक है। अब वो घोड़ो जठे जठे जाओगे बा भूमि की नहीं होती जाएगी बा भूमि की राजा की होती जाएगी ठीक है जब कोई यज्ञ करके और घोड़ो छोटा को नहीं जठे जठे घोड़ो जावागो बा भूमि की बा भूमि होती जाएगी जाएगी। अभी सगर का ही टापर है एक कोने की ता पूरा 60,000 अभी इतना बेरो को नहीं एक गा केड़ा की तियांगा ठीक है सगर का कितना टापर आ 60,000 बालका अब भी वो घोड़ो चरतो चरतो एक ऋषि का आश्रम में उड़ गयो ठीक है वो भी के करियो घोड़े ने इंद्र चुरा के करियो इंद्र चुरा के एक आश्रम में छोड़ दियो ठीक है ये वाला आश्रम में छोड़ दियो कपिल मुनि वाला आश्रम में छोड़ दियो किंग आश्रम में छोड़ दियो कपिल मुनि के आश्रम में छोड़ तेरी घोड़े ने चुरा के और कपिल मुनि वाले आश्रम में छोड़ अभी सगर ने ठापड़ियों का घोड़ो मिलन को लाग रही हो बात की तो कई दिन हो गया आना आपके 60,000 टापरा ने देश दियो टापरो जाओ कह घोड़ो ढूंढ के लिया कठे भी 60,000 टापड़िया लागे ढूंढने ठीक है पूरा सुरुग लोग पाताल लोग सारे ढूंढता ढूंढता कठा गया कपिल मुनि वाले आश्रम में
उठा गया ये कपिल मुनि वाले आश्रम में, उठा गया कपिल मुनि वाले आश्रम, अभी कपिल मुनि वाले आश्रम में आ गया। हाँ भी आरोप लगाए कपिल मुनि जी, कभी थे घोड़ो थे चुराए हुए कपिल मुनि की, और मैं साथ आदमी भक्ति करने वाला आदमी हूँ, क्या घोड़ो के हाँ ना घोड़ो थे ही चुराए हुए, तो भी आजादा जिद करी जो कपिल मुनि के दे दियो श्राप, के दे दियो श्राप, श्राप दे दियो, श्राप दिन तीन 60,000 के हो गया भस्म, हो गया 60,000। अब भी हिंदू रीति रिवाज के अंदर एक रिवाज हुआ है भी अगर हिंदू रीति रिवाज अगर कोई आदमी को अंतिम हो नहीं तभी भी याद भी देखिए भी कहीं देखिए क्यों रिवाज है का हिंदी दिवंग अंदर रीति रिवाज में अगर अंत या तरह आदमी हल क्रिया तभी भी आदमी की आत्मा। तो भी अब है शक्कर की आगे चौथी पीढ़ी के अंदर, कितवी पीढ़ी के अंदर चौथी पीढ़ी के अंदर तो जन्म लिया है कौन है तो जन्म लिया भागीरथ, तो नाम ये जन्म भागीरथ या ना आपा भागीरथ भी के कौन जन्म लिया भागीरथ या रथ भी कौन जन्म लिया भागीरथ भी, ओ भागीरथ है करे तपस्या, ठीक है पहला वो तपस्या करे ब्रह्मा जी की, किंगी तपस्या करे ब्रह्मा जी की, तपस्या करे ब्रह्मा जी की, ब्रह्मा जी की तपस्या घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी कह भी एरकन तू गंगा नदी को नहीं कह की खातर तन्ने कह तपस्या करनी पड़ेगी भगवान करनी पड़ेगी भगवान है विष्णु की तन तपस्या करनी पड़ेगी भगवान है भी भागीरथ फेर लागे दोबारे अपड़ो ठीक रहे अब इलाज को नहीं आगे मुक्ति करानी जरूरी फेर लागे तपस्या करना है। अब भागीरथ भी भगवान विष्णु की तपस्या करी और भगवान विष्णु ने कर लिया आना कर लिया भगवान विष्णु के भी ठीक है कोई दिक्कत को नहीं मैं गंगा नदी ने उतार दूंगा पर धरती पर कोई इंतजाम तो होना चाहिए क्या अगर आ सीधी नदी उतरेगी तो धरती फाट जाएगी ठीक है धरती कह फाट जाएगी तो धरती पर कोई इंतजाम तो होना चाहिए कभी आशक है वो चीज़ के ऊपर अगर मैं सीधी धरती पर उतार दी तो वे गीतु है पानी को कह धरती फाट जाएगी कोई इंतजाम तो होना चाहिए तो भागीरथ क्यों भी तो मैं कई इंतजाम करूंगा मत सी तो सूर्य क्यों कह मैं कई इंतजाम करूँ इसको इंतजाम के करूँगा काम तू या कर तू दोबारा तपस्या करके भगवान शंकर ने प्रसन्न कर ले यानी भगवान शिव जी ने प्रसन्न कर ले प्रसन्न कर ले भगवान शिव जी ने प्रसन्न कर लेगा भगवान शिव जी आपकी अगर जटा मीन संभाल लिया तो फिर मैं कह धरती के ऊपर है गंगा नदी ने कह बहा दूंगा मेरा कोई दिक्कत नहीं। अब भी भागीरथ पाचो लागू बापड़ो तपस्या करना है तपस्या करना है तो तपस्या करी क्यों पहली तपस्या होती पे लाखों युगों तीन चलती पण भी भागीरथ तपस्या स्टार्ट करी शिव जी की। अब भी करता करता शिव जी प्रकट होया बोल वंश के चाहिए तेने भी बोल के चाहिए तो भी भागीरथ शिव जी ने कहो भी मैं यहाँ करके मेरा पूर्व जांग है मुख्य खातर गंगा नदी ने धरती पर लियानी चाहूंगा ठीक है गंगा नदी ने अपनी जटांग अंदर धारण कर लिया फिर धीरे धीरे आपा प्रसिद्धि गंगा नदी अगर धरती पर आई तो धरती खेजेगी फट जाएगी ओ शिव जी क्या ठीक है कोई बात को नहीं मैं मेरी जटा मैं धारण अजी हूँ तू तो भगवान विष्णु गए फेरा गंदरुआ की गठाई आई शिव जी के जटा मुँह बाद में धीरे धीरे आ धरती पर भेज दी धरती बेहने के बाद में आके भी पता लोग कोर जाएगी ठीक है हाँ तो बात ही गंगा नदी की ठीक है इंगी बात ही गंगा नदी की अब आप पढ़ा नदी ठीक है तीन पढ़ा नदी ने पढ़ा थोड़ी सी ले लूँ ठीक है ये सब लेके चलूंगा क्यों मैं पगंदर तो आवे को नहीं आ क्या तो आप आठू स्टार्ट करांगे और किनारे मेन मेन शेर है कई बार शेरा में क्वेश्चन पूछ लिया भी वो किसी नदी के किनारे है तो मैं इनटली बनाऊँ और थे भी आ रहा है ऊपी गंदर अगर बनाई जाए तो बढ़िया तरह ठीक है तो आ नदी गढ़ू निकले आ नदी उत्तराखंड के अंदर एक पहाड़ी उत्तराखंड के अंदर भागीरथी नाम
नदी ध्यान रखियो कि गंगोत्री उन्हीं खड़े से गंगा का रूप में कौन का नाम पड़ा ही देव प्रयाग के अंदर ठीक है। बीहू पहला किसी नदी के नाम उन्हीं खड़े तो हाँ निकड़े भागीरथी के नाम नदी के नाम उन्हीं खड़े हाँ निकड़े भागीरथी के नाम नदी के नाम उन्हीं खड़े भागीरथी के नाम ठीक है। आगे चाल के आगे चालांगा से ये नदी के किनारे एक बांध बनेड़ हुए ठीक है। नाम सुने लोग थारो टियरी बांध ठीक है। टियरी नदी के ऊपर है अभी नाम गंगा कौन हुई थन की बताना है टियरी बांध किसी नदी पर है भागीरथी नदी पर किसी नदी पर है भागीरथी नदी पर ठीक है। ये नदी थोड़ी सी आगे ले जाकर इन ठीक है ऊपर वहां पर एक नदी और ठीक है नदी लेके आनी है नदी को नाम की है नदी नाम है अलकनंदा नाम है अलक नाम है अलकनंदा ठीक है। पांच प्रयाग बने ठीक है। अलकनंदा है आ भी गठू निकड़े तो आ भी निकड़े उत्तराखंडू गठू निकड़े अलकनंदा आ भी निकड़े उत्तराखंडू ठीक है। अलकनंदा में एक नदी मिले आ गई नदी मिले अंदर एक नदी मिले आगे जगह नाम है धोली की नदी आगे मिले नाम है धोली की नदी आगे मिले धोली गंगा मिलता ही अठे किसे प्रयाग को निर्माण हुए तो अठा हुआ विष्णु प्रयाग को ठीक है। बात आज अठे किसो प्रयाग बने तो विष्णु प्रयाग तो प्रयाग बने ठीक है। अलकनंदा में धोली गंगा मिले जब किसी प्रयाग को निर्माण हुआ तो विष्णु प्रयाग को ठीक है। फिर बाद में इंग एक नदी मिले जब की नाम है नंदाकनी नदी ठीक है। अलकनंदा में किसी नदी मिले मुख्य नदी है ठीक है मुख्य नदी है थोड़ी नदी है नदी मिलानी है। दूसरी नदी किसी मिले नंदाकनी किसी मिले नंदाकनी किसी नदी मिले अंदर अलकनंदा के अंदर आगे नंदाकनी नदी नाकनी नदी मिलता ही इसे प्रयाग को निर्माण हुए है एक प्रयाग बने नाम है नंद प्रयाग तो प्रयाग बने प्रयाग प्रयाग बने प्रयाग ठीक है। अलकनंदा में नंदाकनी नदी मिले जब किसे प्रयाग को निर्माण करे नंद प्रयाग को अलकनंदा में अगर धोली गंगा मिले तो विष्णु प्रयाग को ठीक है। फिर बाद में एक नदी और मिले ठीक है एक नदी और मिले नदी के नाम है नाम है पिंडार नदी के नाम है पिंडार नदी याद रही थी पिंडार नदी अलकनंदा में किसी नदी एक और आगे मिले पिंडार नदी पिंडार नदी मिलता ही रटा किसे प्रयाग को निर्माण हुए था वह करण प्रयाग को निर्माण प्रयाग को निर्माण हुए था वह करण प्रयाग को निर्माण प्रयाग को प्रयाग ठीक है। किसी नदी आगे मिले पिंडार नदी मिले तो तीन प्रयाग को निर्माण हुए करण प्रयाग को अलकनंदा में धोली गंगा मिले तो विष्णु प्रयाग को अलकनंदा मगर नंदाकनी मिले तो नंद प्रयाग को अलकनंदा में पिंडार नदी मिले तो करण प्रयाग को निर्माण हुए। बाद में एक नदी और अंदर तीन नदी को के नाम है तीन नदी को नाम है मंदाकनी ठीक है। तीन नदी को के नाम है मंदाकनी ठीक है। एक उत्तराखंड की एक नदी और है जिसकी नाम है ताकनी नदी आगे अठ मिले ठीक है। किसे प्रयाग को निर्माण हुआ तो अठ हुआ रुद्र प्रयाग प्रयाग को हुआ रुद्र प्रयाग प्रयाग को निर्माण हुआ रुद्र प्रयाग को ठीक है। फिर बाद में इनू आन लाग रही है किसी नदी है भागीरथी और इनू किसी आन लाग रही है अलकनंदा ये दोनों मिले पठ किसे प्रयाग को निर्माण हुआ पठ हुआ देव प्रयाग को निर्माण हुआ देव प्रयाग को देव प्रयाग में ही नदी पड़े नदी ये नाम पड़े नदी ठीक है। अब थाने पूछ लिया भी गंगा नदी को नाम है वो गंगा नदी गठे पड़े तो पड़े देव प्रयाग के अंदर ठीक है। पंच प्रयाग है नाम याद रखना है कई बार पूछ लिया विष्णु प्रयाग है वो किसी नदी के मिलना बने या नंद प्रयाग है वो किसी नदी के मिलना करण प्रयाग है वो नदी के मिलना पड़े और देव प्रयाग है वो किसी दो नदियां मिलना भागीरथी और अलकनंदा। अब गंगा नदी भी आप थोड़ी सी ठीक है गंगा नदी आगे चाली आगे ठीक है। अगा गढ़े पहुंचे अगे किनारे एक शेर आवे जगह को नाम है ऋषिकेश तो शेर आवे किनारे तो नाम है ऋषिकेश
रहा है ऋषिकेश, शेरावाई के किनारे ऋषिकेश। ऋषिकेश के बाद में थोड़ी सी आगे चल के फिर आ जाएंगे किनारे हरिद्वार, हरिद्वार किनारे किसो आज हरिद्वार। हरिद्वार में थाने बात याद रखनी है, गंगा नदी मैदानी भाग के अंदर कट्ठे प्रवेश करे, ठीक है। पर क्वेश्चन आज है गंगा नदी पहली बार मैदानी भाग के अंदर कट्ठा हुआ है तो वह हुआ हरिद्वार के अंदर, बैठा हुआ हरिद्वार के अंदर, ठीक है। अगर क्वेश्चन आज है गंगा नदी है वह मैदानी भाग के अंदर प्रवेश करे करे हरिद्वार के अंदर, कट्ठा करे द्वार के अंदर, ठीक है। फिर आप थोड़ा सा आगे और चलांगा, ठीक है। अभी हरिद्वार में कि नहीं उतरण हो आपका पाप धोना है तो फिर थोड़ा सा आगे चलांगा, थोड़ा सा आगे फेरेंगे किनारे एक से राजे जगह नाम है सहारनपुर, राजे सहारनपुर आजे सहारनपुर, और सहारनपुर का आगे आ जाए फिर थोड़ा सा आगे और चलांगा तो आप अरे एक से राजे जगह को नाम है कानपुर, सो से राजे कानपुर किनारे किसो से राजे अरे से राजे कानपुर, तो से राजे कानपुर, कानपुर थोड़ा सा आगे आप और चलांगा किनारे से राजे जगह को नाम है कन्नौज, कन्नौज तो से राजे कन्नौज जयचंद गढ़वाल वाले वो योगी तालो, ठीक है। कन्नौज के बाद में आप थोड़ा सा और चला तो किनारा आज वाराणसी, वाराणसी आजे वाराणसी काशी, ठीक है। तो से राजे वाराणसी, ठीक है। इन बाद में आज इलाहाबाद, आजे इलाहाबाद, इलाहाबाद या ना पके इसका प्रयागराज, इलाहाबाद या प्रयागराज, ठीक है। इलाहाबाद या ना पा वर्तमान में इनके नाम हो गयो प्रयागराज, पहला के नाम हो इलाहाबाद, पहला के नाम हो इलाहाबाद, वर्तमान में क्या ही ना प्रयागराज। प्रयागराज इलाहाबाद के अंदर एक संगम बना हुआ है लेकिन बोला त्रिवेणी संगम, ठीक है। ये बोला है त्रिवेणी संगम, ठीक है। थोड़ा सो थान ध्यान रखना है संगम बना हुआ त्रिवेणी संगम, ठीक है। इन एक नदी मंग अंदर आ गई और मिले, ठीक है। जकी को नाम है यमुना नदी, की नदी है यमुना नदी, तो या यमुना नदी में आगे प्रयागराज के अंदर की सी नदी मिल जाए अगदर, ठीक है। तू एक एक नदी अंदर और मिले जिनको नाम है सरस्वती नदी, ये नाम है सरस्वती नदी, सरस्वती नदी, ठीक है। तो अठा एक प्रयागराज में एक ये बने, अठा बने एक त्रिवेणी संगम, ये बने त्रिवेणी संगम। पर पूछ लिया भी गंगा नदी पर त्रिवेणी संगम है वो अठा बने, वो बने इलाहाबाद या प्रयागराज में, किसी तीन नदियां मिलना पड़े तो यमुना सरस्वती और, ठीक है। किसी तीन नदियां मिलना बने तो यमुना गंगा और सरस्वती तीनों मिले जाए ठक ये बने इलाहाबाद के अंदर एक त्रिवेणी संगम, ये बने त्रिवेणी संगम, त्रिवेणी ये बना एक त्रिवेणी संगम, ठीक है। प्रभु जले त्रिवेणी संगम गठा पड़े तो इलाहाबाद या प्रयागराज में किसी नदियां मिल लू मैं तो गंगा यमुना और सरस्वती, ठीक है। लेकिन बाद में थोड़ा सा आगे चला तो इन किनारे ये बिहार, बाद में आ जाए बिहार के अंदर, बिहार की राजधानी की है पटना, बिहार की राजधानी की है पटना, ठीक है। तो बिहार बाद में थोड़ी सी आगे चला तो बिहार के अंदर एक सेतु बने हुए जन कहाँ पा महात्मा गांधी सेतु, ठीक है। बिहार के अंदर ऊपर ऊपर एक बांध बने हुए पुल केस कहाँ पा महात्मा गांधी सेतु, तो बने हुए महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, ठीक है। तो सेतु बने हुए बिहार के अंदर गांधी सेतु। फिर बाद में आप थोड़ा सा आगे चलांगा, ठीक है। बताओ भी गंगा नदी झारखंड में जाए कौन जाए, गंगा नदी झारखंड में जावे कौन जावे, कई बुका के अंदर झारखंड मान रखी हुई कई बुका के अंदर को देवताओ भी गंगा नदी है झारखंड के अंदर है, कभी थोड़ी सी ही कोई जावे बतावे, ठीक है, ठीक है। थोड़ी सी जावे तो आप थोड़ा नाम लिख लिया, थोड़ी सी या
झारखंड के अंदर जाओ है, बताओ है नदी कैसे है, थोड़ी सी कह झारखंड के अंदर, ठीक है। और झारखंड बाद में आ गया पश्चिम बंगाल के अंदर, आ जाए पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल पहला ही पर एक परियोजना चलाई, ठीक है। पश्चिम बंगाल पहला आप पर कैसे चलाई, एक परियोजना चलाई। पश्चिम बंगाल पहला आप पर एक परियोजना चलाई, और पूछ ले किसी परियोजना चलाई तो बात चलाई आप फरक्का परियोजना, फरक्का परियोजना, परियोजना चलाई फरक्का परियोजना, यानी पानी रोक लियो, ठीक है। अब भी बांग्लादेश वाला लड़ाया जाके वो किसो थे फरक्को बना लियो, पानी को नहीं आवे। बाद में कह भी या योजना आप बंद करी, ठीक है, वर्तमान के अंदर, ठीक है। फिर बाद में जाके पश्चिम बंगाल के अंदर जाके बागा दो भागा के अंदर बंट, पश्चिम बंगाल के अंदर जाके बाद में नदी दो भागा के अंदर बंट जे। ईपर तो भी पूर्व आवे को नहीं, लंबी बोली बढ़ा ली, ठीक है। मैं थोड़ी सी अगले पेज पर बढ़ाऊँ, ठीक है, थोड़ी सी की पर बनाऊँ, अगले पेज पर बनाऊँ। हाँ, पश्चिम बंगाल में जाके आ गया दो भागा के अंदर, पश्चिम बंगाल नदी दो भागा में, दो भागा के अंदर भागता, ठीक है। एक तो आ नदी निकल जाए उगली के नाम, नाम निकल जाए, दूसरी नदी के नाम उसे भागीरथी, दो भाग बंट जाए, एक उगली नदी और दूसरी भागीरथी नदी, ठीक है। और पूछ लिया कोलकाता है वो किसी नदी के किनारे है, तो कोलकाता है वो उगली किनारे, पश्चिम बंगाल की राज के किनारे है नदी के, ठीक है। और भागीरथी है वह आगे जाके के नाम बदल के नाम पड़ जाए पदमा, ठीक है। और फिर मेघना नाम हुआ किम गिर जाए, मेघना नाम हुआ काल की खड़ी के अंदर, मेघना नाम हुआ ठगिर जाए काल की खड़ी के अंदर, ठीक है। और इंगे किनारे एक सुंदरबन डेल्टा भी है, याद रखियो भी पश्चिम बंगाल इसकी बॉर्डर पर है, पश्चिम बंगाल बांग्लादेश की सारा प्रसिद्ध डेल्टा है, विश्व को सारा बड़ो डेल्टा है। आम थे ध्यान रखियो सुंदरबन है, सुंदरबन है, सुंदरबन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, ठीक है, सबसे बड़ा डेल्टा। होगी अपनी नदी, ठीक है। अब आप कर लेंगे सहायक नदी, कर लिया गए सहायक नदी। अब आप थोड़ सी दो बात और पढ़ लिया, फिर गंगा नदी की है सारा ज्यादा लंबाई कट है, उसे लिया फिर गंगा नदी ज्यादा लंबाई पूछ लिया, फिर गंगा नदी की सही है बात है, गंगा नदी की सारा ज्यादा लंबाई है बापी गंदर है उत्तर प्रदेश या बापी गंदर है, गंगा नदी की सही बापी गंदर है बापी गंदर। कम में बात आती है सारा कम लंबाई घट है, सारा कम लंबाई है कम लंबाई घट है, गंगा नदी की सारा कम लंबाई है, सारा ज्यादा लंबाई घट है यूपी के अंदर। अब बात आती है कि कुल लंबाई घट है, ठीक है। तो गंगा नदी की अगर लंबाई की बात आज कुल लंबाई भी सारा रट रखियो 25, कुल लंबाई सारा रट रहा क्यों 25-25 किलोमीटर। अगर आप भारत में बात करें, भारत में कितनी है, भारत के अंदर कितनी है, भारत के अंदर है वो 0.71 किलोमीटर, 0.71 किलोमीटर पूछ लिया। अभी भारत के अंदर गंगा नदी की लंबाई कितनी है, 2071 किलोमीटर, टोटल लंबाई पूछ लिया तो 25 है 25 किलोमीटर। अब तड़का कर सियां आपा गंगा की सहायक नदी, ये कर सियां गंगा की सहायक नदी, ठीक है। तो गंगा नदी भी स्क्रीन शॉट लेना है तो भी
देख लियो, रूम गठू निकड़ी उत्तराखंड के अंदर गंगोत्री की पहाड़ियों, ठीक है। शुरू गंदर गंगा नदी के नाम निकले नाम, ठीक है। बाद में आगे किसी ने, ठीक है, तकलंदा का अगर धोली गंगा मिले तो किसे प्रयाग को निर्माण हुआ, तो विष्णु प्रयाग को। नंदाकनी नदी ने तो किसे प्रयाग को निर्माण हुआ, वह नंद प्रयाग को। अगर पिंडार नदी मिले प्रयाग को निर्माण हुआ तो वह कर्ण प्रयाग को, ठीक है। अगर मंदाकनी नदी मिले तो किसे प्रयाग को निर्माण हुआ, उत्तर प्रयाग को। भागीरथी और अलकनंदा मिले तो किसे प्रयाग को निर्माण हुआ, देव प्रयाग को निर्माण हुआ, देव प्रयाग को। और देव प्रयाग में आगे ही गंगा पड़े, ठीक है। बिंग बाद में थोड़ी सी नदी आगे चले तगड़े पहुंचा ऋषिकेश में, ठीक है। ऋषिकेश में बाद में पहुंचे द्वारू, बाद में किनारे शहर आवा जो नाम है, ठीक है। बिंग बाद में आ जाए कानपुर, और बिंग बाद में आ जाए वाराण, ठीक है। बिंग बाद में आ जाए कन्नौज, और फिर इलाहाबाद के अंदर के बना हुआ है त्रिवेणी संगम, ठीक है। बिंग बाद में आ झारखंड भी आगे जा गया दो भागा के अंदर, एक हुगली नाम की शाखा है, जति नाम की, ठीक है। और कोलकाता है वो किसी नदी के किनारे है, ठीक है, ठीक है। भाई की बात आ जाए तो ये 25-25 किलोमीटर, ठीक है। सारा ज्यादा लंबाई है यूपी के अंदर, और सारा कम में बात करा तो उत्तराखंड के अंदर कुल लंबाई है 25-25 किलोमीटर, और भारत में कितनी आएंगी 2073 किलोमीटर, ये भारत में 2073 किलोमीटर।